की योनि में पत्थर क्यों भरे थाने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट लाया उसको, मेरे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया गया, गांधीवादी आश्रम पर। आप सोचते हैं नोट के ऊपर गांधी छापने से आप गांधीवादी हो गए? जिस दिन गांधी खड़ा होगा इस देश में आपके चूल्हे हिल जाती है। और नौजवानों को समझना चाहिए कि ये एक बहुत खतरनाक सुरंग में घुस रहे विकास के नाम पर। आपकी जमीनें तो चली जाएंगी, आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, फिर भूख फैलेगी। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस पूंजीवादी विकास के बाद भूख फैली है। अगर आप लड़ेंगे तो बचा सके। और आखिर लड़ाई किस बात की है? भारत का संविधान कहता है भारत समाजवादी देश होगा, समाज। और हमारी लड़ाई जनता के साथ है। जनता कह रही है कि ये संसाधन जनता के, सरकार कह रही है नहीं टाटा के, अंबानी के। जनता कह रही है कि ये अंबानी के कैसे हो सकते हैं? आखिर नेचुरल रिसोर्सेज का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकता है? सरकार कैसे कहती है हो सकता है, और बंदूक के दम पर हो सकता है? आप बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा भूमि अधिग्रहण बिना बंदूक के किया गया? आप इसको नॉन वायलेंट डेवलपमेंट कहते हैं? आप पूरे हिंसा से भरे हुए हैं, और इस हिंसा में से हिंसा नहीं निकल सकती। ये बहस जो हो रही है, विषय शायद भारत वर्सेस इंडिया था। बार बार हम व्यक्तिगत कारणों से इस विषय से बहुत दूर चले जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये पैनल में आप सभी आदरणीय सचिन पुरुष बैठे हैं, तो प्रयास करें कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करते हुए, भावनाओं की बात के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कहीं एक लैक है जो भारत और इंडिया के बीच का लैक है, जिसमें भारत वहीं से बात शुरू हुई थी। जो सबसे बड़ी बात थी कि जब ये दिखाया गया एवी, उस एवी में जिस तरीके से भारत को दर्शाया गया था, और वो शायद वही फिल्म यहाँ बन गई है सबके बीच में, और उसी फिल्म के बीच में चल रहे हैं। उस फिल्म के बीच में राम भी आ गए, विष्णु भी आ गए, रामायण भी आ गई, वेद भी आ गए, संस्कृत भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, हिंदी भी आ गई, और घूम फिर के घूम फिर के हिंदुस्तान के नक्शे में वही गाँव और शहरों के बीच की परिधि आ गई। तो वो पर्सनलाइजेशन की बात नहीं है, बात इतनी सी है कि वाकई में भारत या इंडिया अगर आज भी जीता है तो वो गाँव में ही जीता है, शहरों में नहीं जीता। नहीं, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। हाँ। मैं शहर में रहता हूँ और मेरे अंदर भारत बसता है। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, भारत बसता है। और सबसे बड़ी बात इतनी सी ये भी है कि अधिकारों के साथ जहां बात आती है, अगर हम एक बात करें कि छत्तीसगढ़ के गांधी के मुंह से अगर हम कहीं ओजस्वी बात सुनना चाहें, तो उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि कहीं आप सुनिए, जिस दिन आप यहां पे नक्सली मूवमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, आप इस विषय पर बहुत ज्यादा बहस करेंगे, वर्तमान में हमारा विषय शायद भारत और इंडिया के। चलिए आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए इसको, भारत और इंडिया के बीच। डिस्क्रिप्शन का इसलिए प्रश्न नहीं होता, ये सारे बिंदु हैं जो भारत को इंडिया बना रहे हैं या इंडिया को भारत बना रहे हैं। बहुत देर से सारे विषयों पे अपन लोग सुन चुके हैं, और कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो विषय है, मेरे हिसाब से तो कभी ये विषय था ही नहीं। मीडिया के द्वारा कभी किसी दिन किसी एक वक्तव्य को लेकर ये विषय को उठा दिया गया। हाँ। और उसके बाद लगातार बहस चल रही है। हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से भारत के अंदर, ठीक हाँ। है, जैसे शायद आप कुछ लोग इंडिया भी कहना चाहेंगे, पिछले कुछ समय से विषय और सरकारें सभी चीजें मीडिया के द्वारा चलाई जाती है। ये विषय भी उसी में से उठा हुआ है। थोड़ी देर पहले जो दिल्ली का अनफॉर्चुनेट जो रेप केस हुआ था, उस विषय के ऊपर भी कुछ चर्चाएं हुई, वो विषय भी मीडिया के द्वारा उठाया गया था। उसके पहले भी, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी ऐसे केसेस बंद नहीं हुए, होते जा रहे हैं, लेकिन ना तो वैसा मूवमेंट देखने में आता है, ना वैसे समाचार हमें सुनने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो स्थिति है, भारत और इंडिया, इन दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ये करीब करीब वैसा ही है जैसा, अगर कहीं आपसे एक प्रश्न कर लिया जाए कि आप क्या मानते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, तो हमारी आत्मा जानती है, हम जानते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। समाज के दबाव में, परिस्थितियों के दबाव में, या अन्यथा किसी और दबाव में, हम कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और कभी कहते हैं कि ईश्वर है। भारत जहां था वहीं है। इंडिया को अगर आप सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन या तरक्की या इंडस्ट्रियलाइजेशन या अंग्रेजियत के जितने शब्द हो सकते हैं वही सिर्फ इंडिया है, तो ये भी गलत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदी के जितने शब्द हैं, जितने भी शब्द आप डिक्शनरी में से निकाल लें,
सिर्फ वही भारत है तो ये भी गलत है। तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा एक बार और रिफाइन करना होगा। बहस तो आने वाले 100 साल तक भी चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। कहीं नहीं, कहीं ना कहीं हम कहीं निष्कर्ष पे नहीं आ सकते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हम निष्कर्ष पे आना। और दूसरी बात, सिंपल सी बात इतनी सी है कि हमने कोई परिधियां अभी तक तय नहीं करी है कि हम किस परिधि पे आ रहे हैं। हम भारत के उस हिंदी भाषा के उन शब्दों के भारत को मानना चाह रहे हैं, या इंग्लिश वाले उन शब्दों वाले इंडिया को मानना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और कोई सवाल कहीं से जहन से निकल रहा हो तो? हाँ दीदी, थोड़ा जल्दी कर दें, आप 10 मिनट बाद बात। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं तयन सर से जानना चाहता हूँ कि आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या, एक लाइन बोली थी आपने कि आपने ये कहा कि 65 वर्षों से राजनेताओं ने ये किया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, 65 वर्षों में हमने तो चुना है उनको, या अमेरिका ने चुना है या पाकिस्तान ने चुना है? ये भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई हमने चुना है तो फिर मैं क्या से बिलोंग करता हूँ सर, और ये कहीं मैं पॉलिटिक्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हमारे ये होता है कि सर एक लीक पे चलने की आदत हो जाती है। अगर आपने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया तो कांग्रेस पे चलो, बीजेपी हाथ पकड़ लिया तो बीजेपी पे चलो। अपन बंदे नहीं देखते सामने कौन जो है उम्मीदवार है, वो नहीं देखते अपन, केवल पार्टी। ये सही है या गलत है? और एक क्वेश्चन वो इधर से, अगर भारत में कहूँ तो 1, 2, 3 एक दीदी बैठी है वहाँ पे, और इंडिया में कहूँ तो एक मैम बैठी है वहाँ पे। उन्होंने एक लास्ट में एक लाइन बोली थी कि मेरा नाम तानिया हो जाए, तो कुछ बोला था कि मैं करोड़पति हो जाऊँ, मेरी सोच बदल जाए। आपने मैंने ऐसा कहा था कि अगर अभी मेरा जो नाम है तनया गडकरी वो मेरे माँ बाप ने दिया, और कल को मैं कुछ और होके और फिर अपना नाम चेंज करूँ, इससे मैं तो नहीं बदल जाऊँ। आपने एक लाइन ये जोड़ी थी कि आपकी सोच बदल जाए। आप तो वही कह रहे हो, अभी मेरी सोच नहीं बदली इसलिए मैं तनया गडकरी हूँ। मेरा ये मानना है कि आपके संस्कार नहीं बदलने चाहिए, तब वो भारत है। और अगर आपका आपके संस्कार बदल गए तब वो इंडिया है। और मैम अगर आप पतले हो जाओ या मोटे हो जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इससे कि आपके संस्कार बदले या नहीं बदले। आज के टाइम हम इंडिया में जी रहे हैं सर, अभी सर ने कहा कि हम अभी भारतीय हैं, सर ये गलत है, हम अपनी गलती नहीं मान सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज किसी के पास देख लो किसी के पास टाइम नहीं है, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ से श्रीमान उठ के गए हैं। आज मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बस में जब ट्रेवल करता हूँ तो आसपास देखता हूँ किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर कहीं बस रेड लाइट पे भी खड़ी है तो गली में से इतनी सी जगह हो फिर भी निकलने की कोशिश करते हैं, टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी तो ये है कि हम अपने संस्कार भूल गए सर, इसलिए हम इंडिया हैं, वरना हम भी भारतीय हैं। मेरा ये अच्छी बात है। आपको और कोई सवाल, और किसी का सवाल? सर मेरा जवाब नहीं आया। क्या क्या जवाब दिया था आपको? ये जो आप किया था कि हमने 65 वर्षों में जो नेता चुने, हाँ। उसके जिम्मेदार हम हैं या केवल नेता? वो तो आप खुद ही अपने अब मंदिर सवाल लेकर बैठे हैं उनसे, तेजेंद्र जी से क्या पूछ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा नेता भ्रष्ट हैं, उनसे ही भ्रष्ट हम हैं, जो हम उनको चुनते हैं सर। बस ये जवाब आप ही ने दे दिया, अब उनसे क्या पूछूं मैं। और कोई सवाल? हाँ माइक ये रखा सर, इधर रखा, आपने कहा कि जो नेता हम चुनते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं क्या कोई और है? हम वोट देके सोचते हैं कि 5 साल की छुट्टी, इसलिए जिम्मेदार हम वहां हैं। अगर हम वोट देकर भूल जाते हैं तो हमें एहसास दिलाना चाहिए, जैसे इंडिया गेट पे हुआ। ऐसे ही अगर कोई घटना हो तो नेताओं को ये एहसास दिलाना चाहिए। और अगर लोग कहते हैं कि उस आंदोलन का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है कि उसका फर्क 50% पड़ा हो, 25% पड़ा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस आंदोलन का फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी जब या कोई भी कोर्ट काम करता है तो एक आंदोलन का एक दबाव का असर पड़ता है। तो एक PAL पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों ना बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक आदेश दिया और कहा कि इसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए और ये तय कीजिए कि 2 महीने के अंदर रेप केस की सुनवाई होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का हो सकता है, जो जो हमने मांगा सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन का असर होता है,
पब्लिक के दबाव का असर होता है, तो हमें ये अगर सोचेंगे कि हमने वोट दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, तो फिर ये नेता भी वोट लेके फिर वही लूटना चालू कर देंगे। हमें 5 साल अपनी जिम्मेदारी जिस तरीके से हम अपने बच्चों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति निभाते हैं, अपने देश के लिए भी चाहे आधा घंटा एक घंटा डेली दें और वैसी ही जिम्मेदारी निभाएं, तभी देश बदले। आपके पास विकल्प क्या है? एक भ्रष्ट, एक महाभ्रष्ट, क्या करोगे आप? एक को चुनना मजबूरी है आपकी। या तो जो बात आई है इलेक्शन रिफॉर्म्स की कि आपको चॉइस दी जाए कि हम किसी को नहीं चाहते, तब पता पड़ेगा नेताओं को अपनी औकात। सामान्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, समझदार व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं एक समाज में 15 साल से एग्जीक्यूटिव मेंबर था, एक बार चुनाव हो गए और मैं मानता था कि शायद मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एमए पीएचडी हूँ, चुनाव हार गया। जिस पर ना सिर गिनते हो ना सिर, वहां कुछ नहीं कर सकते आप। अभिशप्त हो उन्हीं में से चुनने को एक। अजी साहब एक आध उदाहरण होंगे, एक आध उदाहरण देकर के आप नियम नहीं बना सकते आप। सर ये पार्टी की आत्माओं से बाहर निकल जाएगी, पार्टी की आत्माओं से बाहर निकल जाएगी। हम वो देश के लोग हैं जो ट्रेन में बैठते हैं, हमारे सामने वाले के अंदर कांग्रेस की आत्मा आ जाती है और हम में बीजेपी की आत्मा आ जाती है, स्टेशन आ जाता है, हम देश को वहीं छोड़ देते हैं, अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, हम उस देश में जी रहे हैं। आप मैं बोल सकता हूँ,